आगे बढ़ेंगे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सियासत शुरू गई। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्र भी समय से पहले खत्म हो सकता है, सरकार ने कोई भी सत्र पूरा नहीं चलने दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष सवालों का पिटारा लेकर सदन में पहुंचेगा और सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। जो निश्चित तिथि थी उसमें वो पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही विधानसभा का सत्र समापन हो गया। यह इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, यहां की भूपेश सरकार, विधायिका के ऊपर में विश्वास नहीं करती, विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है, बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी को कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का पावन मंदिर है विधानसभा, सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, धान खरीदी पर सियासत जारी है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है, भूपेश बघेल सरकार अपने दम पर धान खरीदी कर रही है। 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किए हैं। 2,640 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है भूपेश सरकार। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के फैसले से बीजेपी बौखलाई हुई। मामले में भारतीय जनता पार्टी अब चिंदी चोरी पे उतर आई है। प्रधानमंत्री से लेके उनके स्थानीय नेता तक सब चिंदी चोरी वाला बयानबाजी कर रहे हैं। सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पे करती है। पिछले 4 सालों में धान खरीदी पे भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपये किसानों पर खर्च किया है, तो ये हमारी उपलब्धि है। 107 लाख मीट्रिक टन देश में अकेली भूपेश सरकार खरीद रही है। देश में किसानों को 2640 रुपए धान की कीमत भूपेश सरकार दे रही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। यह दुर्भाग्यजनक है कि प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये नेता तक स्तरहीन और झूठी बयानबाजी करके जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में जन सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज हुआ। युवा कांग्रेस की जन सत्याग्रह पदयात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस ये पदयात्रा कर रही है। तेलीबांधा थाना से माना बस्ती तक ये यात्रा जाएगी। तो ये तस्वीरें रायपुर से, जहां जन सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज युवा कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। रायपुर से बड़ी खबर, मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सीएमओ ने ट्वीट कर मानदेय बढ़ोतरी की जानकारी दी है। मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ अब मानदेय भी मितानिनों के मानदेय में 2,200 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। एक और बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 17 जुलाई को जेल भरो आंदोलन करेंगे संविदा कर्मी। 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं संविदा कर्मचारी। 45,000 संविदा कर्मी जेल भरो आंदोलन करने वाले। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। संविदा कर्मचारियों ने 17 जुलाई से जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 3 जुलाई से लगातार हड़ताल पर हैं संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मी जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन पर हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 3 जुलाई से इनकी हड़ताल जारी है और अब ऐलान किया है संविदा कर्मचारियों ने कि 17 जुलाई से वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार सुमन तलवार ने नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस के निजात अभियान की सराहना की है। सुमन तलवार ने लोगों से नशा छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ने की अपील की। उन्होंने इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाने की भी प्रदेश सरकार से अपील की है। और मानसून की बारिश से परेशानियों की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। अब देखिए कैसे बारिश के बाद बस्तर की शान कहलाने वाले मिनी नियाग्रा वाटरफॉल का नजारा रोमांचक हो उठा है। जलप्रपात में जलस्तर बढ़ा है, जिसका नजारा पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। सैलानी इसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में स्थित ये जलप्रपात देखकर सैलानी कह उठे हैं, अद्भुत है चित्रकूट। राजनाथ गांव में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलाशयों से करीब 5,884 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से जिले के सभी डैम लबालब हो गए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। युवाओं के साथ संभागवार संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर होगी युवाओं से बात। छत्तीसगढ़ में मिथानिनों को सीएम ने दी बड़ी सौगात। मानदेय में 2200 रुपए की हुई बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2023 से होगा लागू। महेंद्रगढ़ में पटवारी पर जमकर भड़के विधायक विनय जायसवाल। सस्पेंशन की दी धमकी, ग्रामीणों ने की थी 10-10 हजार रुपए घूस लेने की शिकायत। रायपुर में जन सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज। तेलीबांधा थाना ने माना बस्ती तक युवा कांग्रेस की जन सत्याग्रह पदयात्रा। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस की है पदयात्रा। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर। जलाशयों से छोड़ा गया 5,884 क्यूसेक पानी। पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। पूर्वा में बंद पड़े पावर प्लांट की गिराई गई चिमनी, चंद सेकंड में जमींदोज हुई 125 मीटर ऊंची चिमनी। 2020 से बंद था प्लांट। जशपुर में रिहायशी इलाके में घुसा हाथी, ग्रामीणों ने में दहशत का माहौल। डर से अपने घरों में कैद हुए ग्रामीण। संविदा कर्मचारियों का टूटा सब्र, 17 जुलाई को जेल भरो आंदोलन। 3 जुलाई से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भाई सत्येंद्र जैन की जमानत। वकील बोले 3 हॉस्पिटल ने सर्जरी की सलाह दी है। बेंच ने कहा तीनों रिपोर्ट दिखाएं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच रहेगी जारी। टीचर भर्ती घोटाला की इंक्वायरी रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा ऐसा करने से जांच पर पड़ेगा असर। कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की चाकू घोप कर हत्या। हनुमान जयंती जुलूस में 2 गुटों में हुई थी बहस, कांग्रेस समर्थकों पर लगा आरोप। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में एसआईटी की चार्जशीट तैयार। इसी हफ्ते कोर्ट में दाखिल की जाएगी चार्जशीट। पुलिस कमिश्नर के 3 सदस्यों की एसआईटी ने तैयार की पूरी रिपोर्ट। देहरादून में तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस, यात्रियों ने बमुश्किल बचाई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। गुरुग्राम में साक्षी जैसा मर्डर केस, सगाई टूटने से नाराज शख्स ने युवती को चाकुओं से गोदा, युवती की मौत। धार पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना सेना सम्मेलन में हुए शामिल, कहा महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। विधानसभा सत्र पर स्पीकर गिरीश गौतम का बयान, कहा विपक्ष का सदन चलने से ज्यादा हंगामे पर होता है जोर, विधानसभा में इस बार होगा नवाचार। दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा।